जब भी मैं काठमांडू के बारे में सोचता हूं तो जो छवि उभरती है वह सिर्फ एक शहर की नहीं है, वह छवि सिर्फ एक भौगोलिक घाटी की नहीं है। काठमांडू हमारे पड़ोसी और अभिन्न मित्र नेपाल की राजधानी ही है, इतना नहीं है। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली के देश की राजधानी ही नहीं है, एवरेस्ट पर्वत के देश की, लीली गुराज के देश की सिर्फ राजधानी नहीं है। काठमांडू अपने आप में एक पूरी की पूरी दुनिया और इस दुनिया का इतिहास उतना ही पुराना, उतना ही भव्य और उतना ही विशाल है जितना हिमालय है। नेपाल ने हमेशा ही आकर्षित किया है, क्योंकि यह शहर जितना गहन है उतना ही गतिमान भी है। इन दिनों भारत में आईपीएल के क्रिकेट मैच चल रहे हैं और नेपाल भी अब आईपीएल में जुड़ गया है। इस यात्रा में हाल ही की बहुत सी पहलों से आप परिचित हैं। मुझे बताया गया है कि पहली बार नेपाल का एक नौजवान खिलाड़ी संदीप लमिशा ने आईपीएल में भाग ले रहा है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में क्रिकेट ही नहीं अन्य खेलों के माध्यम से भी हमारे पीपल टू पीपल संबंध मजबूत होते रहेंगे। नेपाल की मेरी अब तक की दो यात्राओं में मुझे पशुपतिनाथ के दर्शन का सौभाग्य मिला था। इस यात्रा में मुझे भगवान पशुपतिनाथ के अलावा पवित्र जनकपुर धाम और मुक्तिनाथ, तीनों पवित्र तीर्थ स्थानों पर जाने का सुअवसर मिला। ये तीनों स्थान सिर्फ महत्वपूर्ण तीर्थस्थल ही नहीं है, ये भारत और नेपाल के अड़िग और अटूट संबंधों का हिमालय है। आगे जब भी नेपाल यात्रा का अवसर बनेगा मैं समय निकालकर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी जाने का कार्यक्रम भी अवश्य बनाऊंगा।